सारी को भी बस क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही आसानी से बनाने वाला हेयर पैक जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर तो आप हेयर फॉल का शिकार हैं या आपके बाल पतले हो रहे हैं या बालों में इचिंग हो रही है तो ये हेयर मास्क जो है ये हेयर पैक आपके लिए है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये चीज़ें जो है हर किचन में आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो इसको बनाएंगे और अपने बालों पर अप्लाई करेंगे और जब इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। कम वक्त में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि रमज़ान में जो है काम का बर्डन जो होता है तो इसके जाते हम अपने आप पर जो तवज्जो थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि इसको आप बना करके आप तमाम काम आसानी से निपटा सकते हैं और अपने बालों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक जो है जो मीडियम साइज़ का हम प्याज ले लेंगे। प्याज लेकर जो इसका कश कर लेना है उसका हमें जो है एक्सट्रैक्ट यानी कि जूस निकाल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले से निकाल के रख चुकी हूँ। तो ये मैंने जो है प्याज ले लिया है, एक मीडियम प्याज है उसका एक्सट्रैक्ट है ये। तो इसको जो निकालेंगे तो ये इस तरह कितना का एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। ये वाइट प्याज था तो इसका एक्सट्रैक्ट भी देखें, ये वाइट कलर का है जिसके जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और ये इसको अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। बनिस्बत जो है पिंक कलर के प्याज जो होता है उसका एक्सट्रैक्ट, लेकिन इसकी इसमें अद्वियाती खसूसियात मौजूद होती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसको भी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। तो फिर ये जाके इतने सारे प्याज में से सिर्फ एक से दो प्याज ही मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और आपको बालों में जो है थिकनेस देगा, बालों को हेयर फॉल को जो हो जाता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके लिए जो है मैं जिस चीज़ों की ऐड करने जा रही हूँ वो चीज़ें भी बालों में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये 1 पिंच के करीब जो है मैं लूँगी इसके अंदर हल्दी। ये देखिए मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करने जा रही हूँ। ये हल्दी है 1 पिंच, इसके अंदर हल्दी हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मौजूद है मेरे पास सॉल्ट जो कि 100% वर्क करता है, हेयर फॉल से निजात दिलाता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है जिसके चलते आपके बाल जो है जो बहुत जल्दी जो है गिरने रुक जाता है। ये 1 पिंच जो है ये भी जाएगा सॉल्ट इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम हनी को, यानी कि शहद। इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून के करीब हम शहद ऐड कर देंगे और ये हमारा हेयर पैक जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर आप चाहे तो कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी है तो ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर ऑयल के भी जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और 100% रिज़ल्ट देगा। देखा, बनाना बहुत ही आसान है। तो इस रेमेडी को आप बना सकते हैं और अपने बालों पे अप्लाई करना है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको कॉटन की मदद से जो है अपने बालों पे अप्लाई करेंगे और इसके अपने बालों पे अप्लाई करने के बाद जो है आप इसको कवर कर लेंगे और इसको 40 मिनट के लिए इसको आपको छोड़ देना है। इसके अलावा आप 1 घंटे भी इसको लगा सकते हैं। इसको अपने बालों पर 1 घंटे तक लगाएं या 40 मिनट के लिए इसको ज़रूर लगाना है और इसको डेली बेसिस पर ही लगाना है। कम अज़ कम 1 वीक आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इसको आप जो है किसी भी माइल्ड शैम्पू से अब वॉश कर लेना है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला ये हमारा जो है हेयर मास्क बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। हेयर बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप बना करके अपने बालों को जो है गिरने से बचा सकते हैं, इचिंग को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने हल्दी ऐड की है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, तो वो इचिंग से निजात दिलाती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। स्कैल्प की जो मतलब डिजीज़ होती है उसको ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, आपकी स्कैल्प भी जो है बालों के जो स्कैल्प है वो भी हेल्दी रहेगा, जिसकी वजह से आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और हेयर फॉल से आपको निजात मिल जाएगी। तो बनाइए इस रेमेडी को और अपने बालों को गिरने से बचाइए। बालों को घना लंबा करने में हेल्प करने वाला ये हमारा रेमेडी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।